गुड इवनिंग आविष्कार, विजिबिलिटी क्लियर है आप लोगों को? थोड़ा सा नेट आज भी स्लो है बट आई थिंक मैनेज होगा ये। बाकी बच्चे कहाँ रह गए? सारे के सारे बटालियन ही गायब हैं तुम्हारे आज? यस, अभी एक दो आए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा, मैं जब भी आऊँ उससे 1 मिनट 2 मिनट लेट ही आओगे आप लोग, है ना? तो कल हमने कर लिया था कहाँ तक? कल का जो टॉपिक किए थे, फटाफट स्टार्ट करते हैं वहाँ से। कल हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल तक कर लिए थे वहाँ पे, और पोटेंशियल तीनों पॉइंट पे फाइंड करना आपको आना चाहिए। गुड इवनिंग साहिल, किस किस पॉइंट पे आया था अपना? एक तो एक्सियल पॉइंट पे, दूसरा इक्वाटोरियल पॉइंट पे, एंड थर्ड कुछ एंगल पे, ठीक है ना? तो जो हेडिंग रहेगा अपना, अच्छा उसके लिए रिवाइज करा दूं मैं आपको। तो पोटेंशियल अगर किसी पॉइंट पे देखते हैं हम लोग, एक्सियल पॉइंट पे अगर आप देखते हो तो क्या होता है? पोटेंशियल इक्वाटोरियल पॉइंट पे देखते हो तो पोटेंशियल एट इक्वाटोरियल पॉइंट इज ऑलवेज जीरो। इक्वाटोरियल पॉइंट पे जीरो होता है। एक्सियल पॉइंट पे क्या होता था याद करो जरा, पी के टर्म्स में बताओ आप। पी के डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर का फॉर्म आता है यहाँ पे, एंड पोटेंशियल एट एन एंगल थीटा, एट एन एंगल थीटा, ये जब आप राइट करोगे तो ये क्या आता है यहाँ पे? कॉस थीटा का टर्म आता है ब्रैकेट में, ये याद रखना, लंबा सा है, आपको रिवाइज याद होना चाहिए, ठीक है? अभी जो आज जो डिस्कस करने वाले हम लोग, थोड़ा सा टॉर्क की बात करेंगे पहले। टॉर्क ऑन ए डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। यूनिफॉर्म मीन्स इट शुड बी कॉन्स्टेंट इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जो भी आप ले रहे हो वो मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट होना चाहिए और डायरेक्शन में भी कांस्टेंट होना चाहिए। लाइक दिस, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिस और स्ट्रेंथ भी सेम है, ठीक है? इस टाइप का जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स से उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है? अब क्या करना है हमें? टॉर्क देखना है इस पे, डायपोल पे। इसको पुट रख देते हैं हम लोग यहाँ पे इस टाइप से, ठीक है? एक पॉजिटिव चार्ज रामलाल उधर तरफ और बसंती इधर की तरफ, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज सेंटर, आप यहाँ पे ज़ूम कर सकते हो। टोटल डिस्टेंस अगेन 2L ही लेंगे हम लोग, इन दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस 2L, और यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू, ठीक है? और ये जो एंगल परफॉर्म कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से, कितना एंगल परफॉर्म कर रहा है? थीटा एंगल परफॉर्म कर रहा है। हमने डायपोल को ऐसा ही रखा है, ऐसा क्यों रख रहे हैं वो आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। ये तो अपनी मर्जी है, जैसे मर्जी आप वैसे रख सकते हो यहाँ पे। तो हम लोगों ने डायपोल को क्या किया है, इस टाइप से ही रखा है ऐसे। पहले आपका डायपोल ऐसे होता था, यहाँ पे निगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, बट अभी डायपोल को हम लोग थीटा एंगल पे रखे हैं फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? अब जिस बच्चे को टॉर्क नहीं पता है, सिंपली आप ये समझ लो कि टॉर्क होता क्या है, या तो 11th में पढ़े नहीं या याद नहीं है, वो सिर्फ ये समझ लो पहले कि टॉर्क होता क्या है। तो देखो, ये कोई एक पॉइंट है यहां से आर डिस्टेंस पे, यहां से कितना, ये एक ओ पॉइंट है, यहां से आर डिस्टेंस पे इस टाइप का एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। जैसे ये मार्कर मैंने रखा और आप यहां पे फोर्स अप्लाई करोगे, तो यहां पे फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा? देखो जैसे ये है, इस टाइप से आप रखो इसे, और यहां पे मैं फोर्स अप्लाई करूं,
ये क्या होना स्टार्ट करेगा, रोटेट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। ये मार्कर टाइप का है अपना कुछ, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये फिक्स्ड पॉइंट। यहाँ से यहाँ इसका डिस्टेंस कितना है r, और यहाँ पे मैं फोर्स अप्लाई करूँ, इस डायरेक्शन में मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक। तो ये किस डायरेक्शन में रोटेट होना स्टार्ट होगा, नीचे की तरफ रोटेट होना स्टार्ट होगा। तो टॉर्क को डिनोट किससे करते हैं हम लोग, टॉ बोलते हैं इसको, इस टॉ से टॉर्क को डिनोट करते हैं। एंड टॉर्क इक्वल टू होता क्या है, आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय एफ। क्या होगा मेरे बच्चे, ये टॉर्क इज इक्वल टू जहां से ये रोटेट होगा, गुड इवनिंग अनुष्का, जहां से ये फिक्स्ड पॉइंट है, इस फिक्स्ड पॉइंट से यहां का कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, और क्या होगा ये आर क्रॉस एफ लेंगे, ये याद रखना है आपको। टॉर्क को हम लोग डिनोट टॉ से करते हैं, इज इक्वल टू वैल्यू कितना होता है आर क्रॉस एफ, ठीक है। अब बताओ अगर ये यहां से थीटा एंगल बना रहा है, जैसे ये एक r वेक्टर है और ये f वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है थीटा, r वेक्टर और f वेक्टर दोनों के बीच का एंगल है यहाँ पे थीटा, ठीक है सर। तो बोलो अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ हॉरिजॉन्टल से भी एंगल कितना हो जाएगा इसका थीटा। तो क्या इस r के दो कंपोनेंट होंगे, इस लेंथ के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा ये वर्टिकल कंपोनेंट। ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा आर साइन थीटा, और अगर आप फोर्स को पीछे की तरफ शिफ्ट करो, है ना, ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो आपको पता है अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा आर एफ साइन थीटा, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा आर एफ साइन थीटा। तो अगर ये आर साइन थीटा है तो आप डायरेक्टली इसको क्या बोल सकते हो कि टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा वो फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जिस बच्चे को पता नहीं है टॉर्क उसके लिए मैं ये बता रहा हूँ ये, ठीक है ना, कि आप सिंपल एज्यूम कर सकते हो कि टॉर्क मतलब ऐसा एक फोर्स अप्लाई करता है जो कि इसे रोटेट करा देता है किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट, ठीक है। तो टॉर्क को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, आर क्रॉस एफ क्रॉस प्रोडक्ट, और डायरेक्शन फाइंड करना आना चाहिए आपको बाय यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं हम लोग। तो टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ हो गया यहाँ पे, आफ्टर दैट मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसका आर एफ साइन थीटा, फोर्स को आप शिफ्ट कर दो धीरे धीरे लाइन के अलॉन्ग पीछे, तो ये मैग्नीट्यूड क्या आएगा आपका आर साइन थीटा। इसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। गुड इवनिंग तन्वी, फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब जब आप इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड करोगे, यहाँ पे किसे प्लेस्ड कर रहे हैं, डायपोल को प्लेस्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक फोर्स होगा ऑन पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा फोर्स होता है, फोर्स अप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉजिटिव चार्ज इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा क्यू ई। सिमिलरली फोर्स अप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन निगेटिव चार्ज विल बी अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नीट्यूड विल बी क्यू ई, ठीक है ना। इस पे जो फोर्स होगा वो राइट डायरेक्शन में होगा क्यू ई वैल्यू का, इस पे जो फोर्स होगा वो लेफ्ट डायरेक्शन में होगा क्यू ई वैल्यू का। तो नेट फोर्स ऑन द डायपोल क्या है यहाँ पे, जीरो। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि नेट फोर्स ऑन डायपोल, नेट फोर्स ऑन डायपोल इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा जीरो, ठीक है ना। क्यों जीरो हो गया, क्योंकि जितना फोर्स राइट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, डायपोल मीन्स ये टोटल कॉम्बिनेशन ना, एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड रहते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग डायपोल, इस कॉम्बिनेशन को आप डायपोल बोलोगे। तो डायपोल पे जो नेट फोर्स हो रहा है वो क्या हो रहा है जीरो, क्योंकि एक तो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है और एक निगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है, तो नेट फोर्स ऑन डायपोल क्या हो गया जीरो। अच्छा यहाँ तक समझ में आ गया, बट फिर भी ये क्या करेगा रोटेट करेगा। सिंपल मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे मान लो ये अपना डायपोल है, ठीक है ना, इसे ही रख दिया, और ये मानना है आपको कि ये डायपोल है, ठीक है। अगर ये डायपोल है, आप इधर की तरफ एक फोर्स अप्लाई करो और एक इधर की तरफ फोर्स अप्लाई करो, एक आगे की तरफ और एक नीचे की तरफ,
इसका टेंडेंसी क्या मूव करने का रहेगा, रोटेट करने का रहेगा? यस, ये जो लाइन है यही है, एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और एक यहाँ पे निगेटिव चार्ज है। तो जब आप इसे राइट डायरेक्शन में इधर की तरफ फोर्स अप्लाई करोगे और पीछे से देखो पीछे की तरफ फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसका टेंडेंसी क्या रहेगा, ऐसे रोटेट होने का टेंडेंसी रहेगा। जबकि नेट फोर्स क्या है इस पे, जीरो है ना। यही तो रोटेशनल मोशन था आपका कि नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल जीरो होते हुए भी वो क्या करना स्टार्ट करता है, रोटेट करना स्टार्ट करता है, क्योंकि क्या जनरेट हो रहा है वहां पे, टॉर्क जनरेट हो रहा है ड्यू टू फोर्स। ठीक है सर, तो नेट टॉर्क अगर हमें फाइंड करना है तो नेट टॉर्क ऑन डायपोल क्या हो जाएगा, टॉर्क ड्यू टू दिस फोर्स प्लस टॉर्क ड्यू टू दिस फोर्स। इस फोर्स के कारण क्या टॉर्क हो रहा होगा ये फाइंड कर लो, इस फोर्स के कारण क्या टॉर्क हो रहा होगा ये फाइंड कर लो, एंड टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी, दोनों का वेक्टोरियली सम कर देंगे हम लोग तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट टॉर्क ऑन द डायपोल। इसके कारण टॉर्क फाइंड कर लो, इसके कारण टॉर्क फाइंड कर लो और दोनों को वेक्टोरियली सम कर दो तो क्या मिल जाएगा हमें, नेट टॉर्क ऑन द डायपोल। यहां तक क्लियर है? नेट फोर्स जीरो था, नेट टॉर्क फाइंड करने के लिए दोनों का टॉर्क निकाल के ऐड कर देंगे। ये क्लियर है? बोलो। ओके, अब क्या होगा कि जब हम लोग टॉर्क फाइंड करेंगे तो देखो ये जो घूमेगा अगर ये मार्कर होता है ऐसे तो ये किस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा, ऐसे सेंटर पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा। जब ये घूम रहा है ना, ये देखो ये जब घूम रहा है तो अपने सेंटर पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा। ये आपको ऐसा दिखाई देगा कि ये सेंटर में फिक्स है और इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है ना, ऐसा फिक्स। एक डंडा ले सकते हो आप, इसको देख सकते हो खुद प्रैक्टिकली, ये अपने सेंटर पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग किसके अबाउट टॉर्क फाइंड करेंगे, इस क्यूई के लिए टॉर्क फाइंड करेंगे। तो टॉर्क ड्यू टू प्लस क्यूई इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, क्या होता है इसका बोलो, मैग्नीट्यूड यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये टोटल 2L है, यहां से यहां क्या हो गया L, और ये L यहां से कितना एंगल बना रहा है थीटा, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा L साइन थीटा। यहां से यहां का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा L साइन थीटा, ये सबको समझ में आना चाहिए। और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सॉरी यहां तक का, और यहां से यहां का भी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये भी कितना हो जाएगा L साइन थीटा होगा, क्योंकि ये भी यहां से थीटा एंगल परफॉर्म कर रहा है। ओके, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या लिखते हो आप, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस L साइन थीटा। और डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट अगर थोड़ा थोड़ा आपको याद हो, डायरेक्शन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट के डायरेक्शन में थंब रख लो और कंप्लीट फिंगर को आप किसके डायरेक्शन में रखो, सेकंड के डायरेक्शन में, देन पाम विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ, देन पाम विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, फर्स्ट के डायरेक्शन में आप थंब को रख लो, सेकंड के डायरेक्शन में इस कंप्लीट फिंगर को रखो। तो यहां पे देखो फर्स्ट आर के डायरेक्शन में आप इसे रखो और फोर्स इधर के तरफ है ना, ये आर के डायरेक्शन में हमने ये रखा, ठीक है, और सेकंड के डायरेक्शन में आप रख के देखो। और ये जो भी आप काम करोगे ना राइट हैंड से करोगे, लेफ्ट हैंड से मत करना नहीं तो गलत हो जाता है। फर्स्ट के डायरेक्शन में हमने ये रखा और फोर्स का डायरेक्शन किधर के तरफ है, इधर के तरफ देखो, तो फोर्स आपका किधर के, सॉरी टॉर्क किधर के तरफ आ रहा है, इन साइड द बोर्ड। तो हम लोग इसे क्या माइनस के बोल सकते हैं, इन साइड द बोर्ड को माइनस के बोल देंगे हम। ठीक है, फर्स्ट टॉर्क का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए सीख लो, राइट हैंड के लिए थंब को पकड़ो, पहले के डायरेक्शन में रखो, पहले के डायरेक्शन में रखना मीन्स आर के डायरेक्शन में, बाकी फोर फिंगर को पकड़ो किसके डायरेक्शन में रखो, दूसरे के डायरेक्शन में मीन्स एम एफ के डायरेक्शन में, देन पाम विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो पाम आपको रिजल्टेंट का डायरेक्शन देगा। तो फर्स्ट हम लोग आर के तरफ ये रखे,
फोर्स के तरफ, फोर्स इधर के तरफ अप्लाई हो रहा है। आर मीन्स इस पॉइंट से यहाँ का डिस्टेंस, तो ये आर हो गया और ये पाम इधर, फोर फिंगर किधर की तरफ चला गया, इधर की तरफ। देखो पाम किधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ, जिसे हम लोग क्या बोल दिए, माइनस के। सिमिलरली टॉर्क ड्यू टू माइनस क्यू ई जब आप फाइंड करोगे, ठीक है, टॉर्क ड्यू टू दिस फोर्स माइनस क्यू ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस क्यू क्यू लिया है मैंने, क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है, ठीक है ना। इक्वल टू क्या होगा बोलो, मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड अभी भी कितना है, क्यू मल्टीप्लाई ई, बट परपेंडिकुलर लेंथ एल साइन थीटा। अब डायरेक्शन जरा देखते हैं, तो देखो इसमें इसका थंब डायरेक्शन इधर और ये डायरेक्शन फोर्स का इधर, इस स्टेप से आएगा, तो अभी भी आपका क्या जा रहा है, अंदर के तरफ। आप करके देखो, थंब इधर के तरफ और फोर्स इधर के तरफ, अभी भी आपका ये किधर के तरफ जा रहा है, अंदर के तरफ। अगर आप हाथ अच्छे से करोगे ना तो आराम आराम से हो जाएगा, अब ऐसे ऐसे घुमा के तोड़ तार मत लेना, है ना, अननेसेसरी परेशानी हो जाएगा इस लॉकडाउन में। सिंपल आप करके देखना अपने घर पे इसको, इधर नीचे की तरफ थंब, तो मैंने ये रखा इधर के तरफ, ये फिंगर किधर के तरफ आना चाहिए, इधर के तरफ, तो ये पाम अंदर के तरफ ही जाएगा, तो यहाँ से भी क्या आया, माइनस के। अच्छा, मैग्नीट्यूड भी सेम है दोनों टॉर्क का और डायरेक्शन भी दोनों का सेम है, पहला भी निगेटिव जेड में जा रहा है, दूसरा भी निगेटिव जेड में जा रहा है, तो टॉर्क नेट का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे, टॉर्क नेट का वैल्यू इन दोनों का सम, ठीक है, इन दोनों का सम मतलब 2QEL साइन थीटा, इन विच डायरेक्शन, इन माइनस के डायरेक्शन। अगर दो वेक्टर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में हो तो उसे आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, वेक्टोरियली ऐड कर सकते हो। यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टॉर्क नेट इज इक्वल टू 2QEL साइन थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब इस टॉर्क का मैग्नीट्यूड हमें पी के टर्म्स में लिखना है, ठीक है ना, इस टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या लिखना है हमें, पी के टर्म्स में लिखना है, तो ठीक है, यहाँ पे टॉर्क का आप वेक्टर क्वांटिटी साइन दे दो, क्योंकि हम लोग डायरेक्शन भी लिख रहे हैं, तो इस टॉर्क का देखो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, 2QL E साइन थीटा, यहाँ पे माइनस के। ये जो 2QL है, कुछ याद आ रहा है आपको, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और इन दोनों के बीच का डायरेक्शन, ठीक है ना, यस, उसे हम लोग क्या बोल देंगे, इस टोटल टर्म को आप क्या बोल सकते हो, पी, ठीक है, पी ई साइन थीटा, यहाँ पे माइनस के था, अभी भी डायरेक्शन माइनस के रहेगा, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी ई साइन थीटा। अब ये पहले वाले को हटा देता हूँ, बेसिक टॉर्क समझाने के लिए था। अच्छा, किसी बच्चे को अगर टॉर्क में प्रॉब्लम हो रहा हो अभी, तो आप मान लो कि टॉर्क ऐसा ही होता है, फिर आगे मैं टॉर्क आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। जिस बच्चे को भी दिक्कत आ रहा होगा टॉर्क में, तो आप अभी एज्यूम कर लो कि टॉर्क ऐसा ही होता है, फिर मैं आपको एक्स्ट्रा क्लास लेके टॉर्क एक्सप्लेन कर दूंगा। तो पी साइन थीटा माइनस के हो गया। अब देखो इसको आप ऐसा लिख सकते हो क्या, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, क्योंकि आपको पता है पी डायपोल मोमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और इसका डायरेक्शन कहां से कहां तक है, निगेटिव से इधर के तरफ, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर के तरफ। जरा एक बार डायरेक्शन निकाल के देखो पी क्रॉस ई का, क्या माइनस के ही आता है, पी का डायरेक्शन इधर, माइनस क्यू से क्यू, पी का डायरेक्शन इधर के तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के तरफ, अरे ये तो माइनस के में ही आ गया। तो क्या इस टोटल टर्म को आप पी क्रॉस ई लिख सकते हो, हाँ सर लिख सकते हैं, सर जे पोस्टपोन हो गया, अभी तक तो नहीं हुआ है, टॉर्क इज इक्वल टू कितना आया यहां पे, पी क्रॉस ई, क्लियर है यहां तक। ये किस पे टॉर्क फाइंड किया है आपने, इस डायपोल पे फाइंड किया है, नेट टॉर्क ऑन द डायपोल, ठीक है, और टॉर्क क्यों हो रहा है, क्योंकि नेट फोर्स बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द डायपोल तो जीरो है, तो यहां पे क्या एक्ट हो रहा है, टॉर्क एक्ट हो रहा है, और टॉर्क का वैल्यू कितना आ गया, पी क्रॉस ई। तो जब आप क्वेश्चन कर रहे होते तो आपको दोनों यूज करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क कितना हो जाएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड टॉर्क की बात करें हम लोग तो
ये, और डायरेक्ट इसे टॉ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। और आप इतने समझदार तो हो ही कि थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन। अच्छा, जिसे आप एंगल बिटवीन डायपोल एक्सिस और इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हो ना, वही क्या है यहाँ पे, एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन आपका यही है, इधर से इधर की तरफ, एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही है आपका। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है सर, यहाँ पे दिया हुआ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल मोमेंट क्या होता है सर, मैंने बहुत बार बताया है आपको कि निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के तरफ, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के तरफ लाइन ज्वाइन करोगे आप, तो वही इलेक्ट्रिक सॉरी डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? तो ये दोनों आपको याद रखना है, ठीक है ना? ओके, यहां तक हो गया। तो एक सेपरेट टॉपिक था अपना कि इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उससे क्या होता है, टॉर्क जनरेट होता है, डायपोल पे टॉर्क आ जाएगा और टॉर्क का ये वैल्यू होता है पी साइन थीटा या पी क्रॉस ई। ठीक है भाई, अब क्या करना है, हम लोग वर्क डन फाइंड करेंगे, ठीक है ना? छोटे छोटे दो तीन टॉपिक रह गए हैं इसमें। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना, ये क्या है, वर्क डन। और घर से बाहर बिल्कुल भी मत निकलना कोई भी, ठीक है ना? क्योंकि बाहर के हालात बहुत खराब हो रहे हैं, पानी देना, बाहर के हालात बहुत खराब हो रहे हैं, ठीक है? और बहुत परेशानी है अभी बाहर, तो एक तो टेम्परेचर वगैरह इतना फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक है? ऐसे सबको कोल्ड और कफ टाइप लगते रहता है, और बाहर निकल के आप कुछ खाओगे पियोगे तो उसमें और परेशानी होती है वहां पे। चलिए अब बात करेंगे हम लोग वर्क डन ड्यूरिंग रोटेशन ऑफ ए डायपोल। किसी डायपोल को रोटेट करने के लिए कितना वर्क डन हो रहा है यहां पे, ठीक है? समझ में आया? क्या फाइंड करने वाले हैं हम लोग, वर्क डन फाइंड करने वाले हैं। इस वर्क डन को कैसे कैलकुलेट करोगे आप? नॉर्मली जैसे हम लोग करते थे फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, वैसे कैलकुलेट करोगे आप या फिर रोटेशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करोगे? देखो, कुछ भी आप करते हो ना तो वर्क डन ही होता है वहां पे। अगर आप किसी को फोर्स अप्लाई करके मूव करा रहे हो तो भी आप कुछ वर्क कर रहे हो। अगर किसी को आप रोटेट करा रहे हो, जैसे मैंने ऐसे फोर्स अप्लाई किया, रोटेट कराया, इसे कुछ काम करना ही तो वर्क डन होता है। वर्क डन का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, वर्क करना, एनर्जी में चेंज लाना। तो आप कुछ भी कर रहे हो वो वर्क डन ही होता है। इट डजेंट मैटर आप उसे रोटेट करो, इट डजेंट मैटर आप उसे फोर्स अप्लाई करके पुश करो या पुल करो। अभी आपने क्या देखा कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब मैं एक ही लाइन बनाता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का और आप समझ जाओगे। स्टार्टिंग में मैंने दो तीन लाइन बनाया सो दैट आपको क्लियर रहे। और ये अपना डायपोल है, ठीक है? यहाँ पे ये बसंती और ये रामलाल, तो माइनस क्यू प्लस क्यू हो गया थीटा एंगल पे। डायपोल का डायरेक्शन सबको पता है कि माइनस क्यू से प्लस क्यू हो जाएगा, ठीक है? अब जब इस पे टॉर्क अप्लाई हो रहा है, नेट फोर्स तो ऑलरेडी जीरो है, तो नेट फोर्स जीरो होने से फोर्स से तो आप वर्क डन फाइंड नहीं कर पाओगे यहाँ पे, ठीक है? तो बताओ यहाँ पे इस डायरेक्शन में, यहाँ पे इस डायरेक्शन में ये फोर्स, तो ये रोटेट कैसे हो रहा होगा यहाँ पे? ऐसे रोटेट होगा जैसे मैंने आपको अभी अभी दिखाया था, इस टाइप से, इस सेंटर के अबाउट इस टाइप से ये रोटेट होना स्टार्ट होगा, ये डायपोल ऐसे रोटेट होना स्टार्ट होगा, ठीक है? तो अब देखो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे दो वर्क डन होगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा एजेंट है? इंटरनल एजेंट। और बाहर से अगर आप घुमाना चाहते हो तो वो क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल एजेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्या है? इंटरनल एजेंट, क्योंकि ये जो भी टॉर्क एक्ट कर रहा है ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा है। अगर आप बाहर से कुछ करना चाहते हो तो वो क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल एजेंट हो जाएगा यहां पर। तो ये जो ऐसा है यहां पर, इसको हम लोग ऐसे रोटेट करेंगे। कौन करना कर रहा है यहां पर? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपने कुछ भी नहीं किया है, सिंपली ऐसे छोड़ दिया है इसको, ठीक है, अगर ऐसे छोड़ दिया है तो भी ये क्या हो जाएगा? रोटेट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको रोटेट कर देगा। लेकिन आपको रोटेट करना है, हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि यहां पे एक थीटा वन एंगल से थीटा टू एंगल कुछ भी डेल थीटा का हम लोग चेंज कर रहे हैं। ऐसा एज्यूम कर लो आप कि ये जो एंगल है ना, ये कितने का है? यहां पर डेल थीटा का चेंज करना है हमें। हमें किधर की तरफ घुमाना है? इधर की तरफ पकड़ के। एक कोई बाहर से गया, वो बोला कि नहीं नहीं इसको इधर की तरफ जाने नहीं देना है, किधर की तरफ हमें रोटेट करना है? इधर की तरफ। तो इधर की तरफ रोटेट करने के लिए जितना टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा है इस पर, उतना ही टॉर्क आप भी इस पर अप्लाई करोगे, सो दैट ये कोई एंगुलर एक्सेलरेशन गेन ना करे। जितना टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा था उस पर, उतना ही टॉर्क आप भी इस पर अप्लाई करोगे, लेकिन वो टॉर्क किस डायरेक्शन में होगा? अपोजिट डायरेक्शन में होगा। पहले अगर माइनस के इस पर अप्लाई हो रहा है, तभी आप क्या करोगे? प्लस के अप्लाई करोगे। और किस डायरेक्शन में ट्राई करोगे रोटेट करने का? एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट करने का ट्राई करेंगे हम लोग, ठीक है? ओके, यस सुधांशु, राइट है आपका आंसर। फोर्स इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई ई इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन दिखाया था मैंने, मैग्नीट्यूड नहीं लिखा था, ठीक है, कि फोर्स ऐसा एक्ट होता है, वो डिस्कस कर चुके हम लोग। तो अगर आप थीटा एंगल से इसे रोटेट करना चाहते हो तो बाहर से एक टॉर्क एक्ट करोगे आप, ठीक है। वो जो टॉर्क एक्ट कर रहा है वो कौन एक्ट कर रहा है? एक्सटर्नल एजेंट एक्ट कर रहा है। और आपने वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या पढ़ा है कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज डायरेक्टली इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन जो भी एक्सटर्नल एजेंट करता है वो डायरेक्टली किसके इक्विवेलेंट हो जाता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब इंटरनल एजेंट क्यों नहीं कंसीडर कर रहा हूं मैं? क्योंकि यहां पे निगेटिव साइन आ जाता है, ठीक है। क्यों नहीं कंसीडर कर रहा हूं मैं निगेटिव? क्योंकि यहां पे निगेटिव साइन आ जाता है, ठीक है ना। वर्क डन बाय इंटरनल एजेंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल यू हो जाता है, ये हमने पढ़ा है वर्क एनर्जी थ्योरम में। तो ये माइनस माइनस लगाने का टेंशन ना हो अपने को, इसलिए डायरेक्ट एक्सटर्नल एजेंट एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, ठीक है सर, एक्सटर्नल एजेंट ले लेंगे। अब हमें पता है कि कितना अमाउंट ऑफ टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा बाहर वाले को। ये अगर ऐसा ऑटोमेटिक रखा रहता ना, तो ये इधर की तरफ घूमना स्टार्ट कर देता है ऐसे। अगर आप सिंपली ऐसे छोड़ दोगे तो इधर की तरफ घूमना स्टार्ट कर देगा। लेकिन क्या घूमने देना है आपको? नहीं, एक बाहर का एजेंट आया, इस डायपोल को पकड़ा और बोला तुम्हें घूमना नहीं है, और उसके बाद धीरे से इसको अपोजिट डायरेक्शन में घुमाना स्टार्ट कर दिया। इसको पकड़ा और धीरे से इसको अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही आप अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना स्टार्ट करोगे, तो कितना अमाउंट ऑफ टॉर्क एक्ट कर रहे हो आप? उतने ही अमाउंट का जितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा था। क्यों इतने ही अमाउंट का? इससे ज्यादा क्यों नहीं करेंगे यहाँ पे? बोलो क्यों इतने अमाउंट का? क्योंकि कोई एंगुलर एक्सेलरेशन गेन नहीं करना चाहिए, ठीक है सर। तो बोलो मेरे बच्चे, एक छोटा सा जो वर्क डन होगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, क्या इसे लिख सकते हैं टॉर्क मल्टीप्लाई डी थीटा? यस, जब लीनियर मोशन होता है तो लीनियर मोशन में आप वर्क डन क्या लिखते हो? फोर्स मल्टीप्लाई डी एक्स। जो आप एक फोर्स अप्लाई करते हो, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी एक्स डी डब्ल्यू। लेकिन क्या यहाँ पे लीनियर मोशन हो रहा है? नहीं ना, यहाँ पे कौन सा मोशन हो रहा है? रोटेशनल मोशन हो रहा है। तो इसमें टॉर्क मल्टीप्लाई फोर्स के जगह टॉर्क, और डी एक्स के जगह यहाँ पे क्या ले लेंगे? डी थीटा ले लेंगे। हमें क्या फाइंड करना है? नेट वर्क डन फाइंड करना है यहाँ पे। तो नेट वर्क डन के लिए क्या होगा मेरे बच्चे? इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन टॉर्क डी थीटा। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे? जस्ट एज्यूम कि थीटा वन से लेके और कहाँ तक रोटेट करना है हमें? थीटा टू तक रोटेट करना है, ठीक है। ये सारी बातें समझ में आई आपको?
एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, साइन कन्वेंशन क्लियर होना चाहिए, क्योंकि देखो नीट और जेई के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं पहले से बता के रखा हूँ आपको। सिंपल आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लो, पोटेंशियल फाइंड कर लो, तो जेई के लिए वो सही है, सॉरी बोर्ड के लिए वो सही है। बट आप कंपिटेटिव एग्जाम पे आते हो तो जहाँ आपको प्रेशर आना स्टार्ट होता है ना दिमाग में, वही कंपिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जहाँ से आपको लगता है कि अरे ये टॉपिक थोड़ा हार्ड होता है, वहीं से तो क्वेश्चन आते हैं कंपिटेटिव एग्जाम में। और आप प्रीवियस ईयर आज क्वेश्चन में देखोगे तो यही डायपोल बार बार वर्क डन डायपोल से हमेशा क्वेश्चन आते रहा है वहां पे, हर अल्टरनेट ईयर आता है क्वेश्चन वहां पे। तो यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए, फटाफट एक बार रिप्लाई कर दो, साइन के साथ सबको क्लियर है ना, क्यों ये ले रहे हैं, क्यों इंटीग्रेट करना पड़ रहा है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट की बात कर रहे हैं ये सब। यस यस बिल्कुल, बहुत मजा आ रहा है। ओके अब बताओ टॉर्क का वैल्यू जरा पुट कर देते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन थीटा वन थीटा टू, टॉर्क का वैल्यू आपने अभी अभी फाइंड किया था तो क्या आया था वहां पे, पी ई साइन थीटा। टॉर्क का वैल्यू क्या था मेरे बच्चे, पी ई साइन थीटा। तो जितना टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा है इस पे, उतना ही तो हमें भी अप्लाई करना है बाहर वाले को। ओके पी ई साइन थीटा मल्टीप्लाई डी थीटा हो गया। अब क्या ये पी का वैल्यू कॉन्स्टेंट होता है, पी इज डायपोल मोमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट, क्या इसका वैल्यू कॉन्स्टेंट होता है, यस बाहर निकाल सकते हैं बिल्कुल। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और यूनिफॉर्म मीन्स मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट होगा इसका, यस सर। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी बाहर निकाल लेंगे, यस। अंदर में क्या रह गया यहाँ पे, साइन थीटा डी थीटा। अब बताओ मेरे बच्चे साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, माइनस ऑफ कॉस थीटा। इसमें कन्फ्यूज मत होना, बेसिक थिंग है ये। तो पी ई माइनस कॉस थीटा, अब अगर यहां तक मैं कर दूं तो यहां से तो सारे बच्चे आंसर ले आते हैं। बताओ फटाफट इसमें पुट कर दो, तो पुट करने के बाद आप क्या लिखोगे यहां पे, पी ई ब्रैकेट में माइनस, मैं पहले ही बाहर निकाल दूं, नहीं नहीं रहने ही देता हूं, तो बोलो यहां पे अपर लिमिट पुट करो, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा टू माइनस माइनस ऑफ कॉस थीटा वन। यहां पे क्यों दो बार माइनस लिया मैंने, क्योंकि देखो एक माइनस तो ऑलरेडी है, माइनस तो आप लेते ही लोअर लिमिट पुट करते टाइम, और एक माइनस ऑलरेडी इसमें है, तो आप क्या पुट करोगे, माइनस कॉस थीटा वन। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। और सभी बच्चे बोलो एक बार कि जो वैल्यू था डब्लू का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, पी ई ब्रैकेट में ये माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, ठीक है, यस। ये सारे डेरिवेशन आए, क्या ये डेरिवेशन बोर्ड में आता है, ये डेरिवेशन बोर्ड में नहीं आता है, लेकिन क्या ये डेरिवेशन हमें लर्न करना है, यस ये डेरिवेशन हमें मस्ट लर्न करना है, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो आप साइन कन्वेंशन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं वहाँ पे। तो क्या ये डेरिवेशन लर्न करना है, ये डेरिवेशन आपको समझना है, लर्न करना है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन ऐसे नहीं आते, टेंशन मत लो इसके लिए। तो फाइनल अपने पास क्या पता लगा आपको, कि वर्क डन जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, पी ई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। कहाँ से कहाँ आपने रोटेट किया था, थीटा वन से थीटा टू या थीटा टू से थीटा वन, तो थीटा वन से थीटा टू हमने रोटेट किया था यहाँ पे। स्टार्टिंग में ये कुछ थीटा एंगल पे होगा और हमने थोड़ा चेंज किया, डेल थीटा थीटा टू एंगल तक ले गया इसको, तो ये क्या आया यहाँ पे, ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी देखो आप क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, आपने क्या लिखा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्सेज। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करें हम लोग तो वर्क डन, चलो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बाद में कर लेंगे, पहले आपको थ्री केसेस समझा देते हैं इसको, कि कहां पे टॉर्क मैक्सिमम होगा, कहां पे वर्क डन मैक्सिमम होगा और कहां पे वर्क डन मिनिमम होगा, सो दैट आप थोड़ा सा और अच्छे से विजुअलाइज कर पाओ इसको। ये फॉर्मूला मैं रहने देता हूं, फर्स्ट कंडीशन एज्यूम करते हैं हम लोग यहां पे। फर्स्ट कंडीशन क्या एज्यूम कर रहे हैं, कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और डायपोल का भी डायरेक्शन ऐसा ही है कुछ, डायपोल यहां ही प्लेस्ड है, तो डायपोल का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यहां पे हम लोग रोटेट कर रहे हैं, यहां पे स्टार्टिंग में रोटेट करेंगे थीटा इज इक्वल टू जीरो से, थीटा इज इक्वल टू जीरो से आपको रोटेट करना है, और कहां तक रोटेट करना है वो थीटा टू वैल्यू डिसाइड करेगा हमारा, ठीक है।
यहां तक क्लियर है ना? यहां पे माइनस क्यू और यहां पे क्या है? प्लस क्यू। ओके, अब ये कौन है भाई यहां पे ऐसे? जागृत, यहां पे कोई भी बच्चा 2021 के लिए नहीं पढ़ रहा है, ठीक है? तो आप ऐसे ऐसे कमेंट ना करा करो यहां पे। एटलीस्ट आप पढ़े लिखे इंसान हो तो हेडिंग देख लो, ठीक है ना? मूर्ख तो हो नहीं बिल्कुल भी, थोड़ा सा तो पढ़े लिखे हो ही। हेडिंग में देखो वहां पे डाला हुआ है ऑलरेडी जेई मेन और नीट 222। तो ऐसे बकवास मत क्या करो बीच में आके। लाइव क्लास चलते रहते इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी आप आके बताते बोलते जाओगे यहाँ पे, ठीक है? आपके घर वाले पेरेंट्स यही सिखाते क्या आपको, या घर में ऐसे ही लैंग्वेज यूज करते रहते हो आप लोग? कुछ भी आके बस बकते जाते हैं। अपने मम्मी पापा से, भाई बहन से ऐसे ही बात करते हो क्या? अंधे तो हो नहीं, दिखाई तो दे रहा है ना, कमेंट मार सकते हो तो वहां पे पढ़ लो। देखो हेडिंग में ऑलरेडी 2022 लगा हुआ है वहां पे, ठीक है? पता नहीं कैसे माँ बाप संस्कार देते हैं आप लोगों को, यही सिखाते हैं क्या मम्मी पापा? आप जो करते हो ना ये आपने, आप अपने पेरेंट्स का दिखाते हो यहाँ पे कि आप कैसा फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, आप क्या दूसरे को बोल रहे हो, आप दूसरे को रिस्पेक्ट देते हो। इट डजेंट मीन कि आपने किसी को बड़ा आदमी बना दिया, ये आपको शो करता है कि आपने, आपके मम्मी पापा ने आपको क्या संस्कार दिया हुआ है, ठीक है? तो ऐसी हरकतें मत क्या करो। और आपके जैसे बच्चे सामने रहते हैं ना, थप्पड़ मार मार के उनको सही कर देता हूं मैं। तो निकल लो यहां से, ठीक है? और देख लो कहीं मस्ती करना होगा और कहीं चला जाना। चलो बाकी बच्चे देखो आप, हम लोग थीटा इक्वल टू जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं इसको। ऐसा ज़ूम कर लेते कि स्टार्ट कहां से करेंगे हम लोग? जीरो से स्टार्ट करेंगे यहां पे, ठीक है? अब थीटा इक्वल टू जीरो से लेके बाकी बच्चे आप ये सब पे ध्यान मत दो, आप अपने पढ़ाई पे ये स्टार्ट करते रहो यहां पे, ठीक है? कहीं भी अनअकैडमी अच्छा पढ़ा रहे, जहां भी अच्छा पढ़ा रहे जाना भाई, तुम्हें यहां पे कोई बुलाने के लिए थोड़े नहीं गया, ठीक है? जहां जो पढ़ा रहे जाओ तुम, मैं अपने बच्चे के लिए बेस्ट हूं, मेरे बच्चे मेरे लिए बेस्ट है, तुम्हें कोई बुलाने के लिए नहीं गया हुआ। तो थीटा इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट करेंगे मेरे बच्चे। अब देखो इसको क्या करना है हमें कि थीटा इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट करके हम लोग ले जाना चाहते हैं कुछ 90 डिग्री पे ले जाना चाहते हैं। थीटा वन जीरो है और थीटा टू हम लोग क्या करते हैं यहां पे 90 डिग्री पे ले जाना चाहते हैं। तो देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डायपोल है वो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया यहां पे, ठीक है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल जो है वो सेम डायरेक्शन में हो गया, तो आपका एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो थीटा होगा ये इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? जीरो डिग्री। ये थीटा क्या है यहां पे? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट, इसका वैल्यू कितना आ गया? जीरो। और इसका वैल्यू जीरो आने से यहां पे टॉर्क का वैल्यू कितना आ गया? जीरो आ गया, ठीक है? तो जब आप स्टार्टिंग में देखोगे तो इस पे टॉर्क कितना एक्ट हो रहा है? जीरो। मींस जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डायपोल है उसी डायरेक्शन में अगर आप डायपोल भी प्लेस्ड कर दे रहे हो तो टॉर्क का वैल्यू यहां पे क्या आ गया? जीरो आ गया। और ये तो सिंपल सी बात है, आप विजुअलाइज भी कर सकते हो कि इस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था और आप इसी डायरेक्शन में क्या कर दो? डायपोल को प्लेस्ड कर दो। तो बोलो पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड किधर होगा? इधर के तरफ। निगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर के तरफ होगा? इधर। तो क्या अब ये रोटेट हो पाएगा? रोटेट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? अगर पॉजिटिव चार्ज इधर के तरफ फोर्स अप्लाई हो रहा है पॉजिटिव चार्ज पे और निगेटिव चार्ज पे इधर के तरफ फोर्स अप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा यहां पे? जीरो हो जाएगा नेट फोर्स, क्योंकि सेम लाइन के अलोंग अप्लाई हो रहा है ना, और कोई टॉर्क भी प्रोड्यूस नहीं करेगा। अब तो ये नहीं घूमेगा। देखो एक इधर के तरफ आप फोर्स अप्लाई करो और एक इधर के तरफ, तो क्या ये रोटेट हो जाएगा? नहीं, ये ऐसा ही रहेगा। तो जब ऐसा सिचुएशन है थीटा वन जीरो मींस इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में डायपोल भी है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? जीरो डिग्री। फाइनल में कहां तक रोटेट करना है? 90 डिग्री तक। ऐसे सिचुएशन में बहुत ही इजी हो जाता है इसे रोटेट करना, क्योंकि स्टार्टिंग में टॉर्क का वैल्यू क्या है? जीरो। और स्टार्टिंग में अगर टॉर्क का वैल्यू जीरो है तो आपको भी बिल्कुल थोड़ा ही फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, नेग्लेजिबल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इसे रोटेट करने के लिए। तो टॉर्क का वैल्यू यहां पे जीरो है, जो वर्क डन करना पड़ेगा आपको यहां पे, वर्क डन इज इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा? पी ई कॉस थीटा वन, थीटा वन की जगह क्या पुट करोगे? जीरो, यहां पे वन आ जाएगा। माइनस कॉस थीटा टू 90, तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना आ गया?
PE, टॉर्क इज इक्वल टू क्या आ गया यहां पे, जीरो। ठीक है, तो ये मिनिमम वर्क डन होता है इस केस में, यहां पे मिनिमम टॉर्क अप्लाई हो रहा है अगर 90 डिग्री पे आपको ले जाना है तो। बाकी आप फॉर्मूले याद रखना आप, ठीक है। सेकेंड केस हम लोग लेंगे, 180 डिग्री से रोटेट करना है अपने को। सेकेंड केस क्या लोगे आप, 180 डिग्री से रोटेट करना है, तो सेकेंड केस में हम लोग लेते हैं थीटा वन अगेन 0 डिग्री एंड थीटा टू इज इक्वल टू 180 डिग्री लिया हमने, और डायपोल फिर से वैसा ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, स्टार्टिंग में डायपोल ऐसा ही कुछ प्लेस्ड था, यहां पे माइनस क्यू और यहां पे प्लस क्यू। ओके, तो ये डायपोल का डायरेक्शन नेगेटिव क्यू टू पॉजिटिव क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का यही डायरेक्शन। अब क्या होगा कि फिर से जब आप टॉर्क चेक कर रहे हो यहां पे, तो टॉर्क का वैल्यू तो जीरो आ गया। अब वर्क डन इसे कितना करना पड़ेगा, तो वर्क डन के लिए देखो, वर्क डन इज इक्वल टू हम लोग पुट करेंगे यहां पे पीई ब्रैकेट में कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, तो कॉस थीटा वन की जगह जीरो डिग्री माइनस कॉस थीटा टू, तो कॉस थीटा टू की जगह कितना हो जाएगा 180 डिग्री इज इक्वल टू यहां पे पीई कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है 1, और आपको पता है कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है माइनस 1, कॉस जीरो इज 1 और कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है माइनस 1, तो ये यहां पे 1 माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 2 इज इक्वल टू 2 पीई। टॉर्क का वैल्यू तो अभी भी जीरो था, लेकिन आपको वर्क डन कितना करना पड़ेगा 2 पीई करना पड़ेगा यहां पे, 2 पीई मतलब पोटेंशियल एनर्जी मत समझ लेना, ये 2 मल्टीप्लाई डायपोल मोमेंट मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप ये देख रहे हो यहां से कि अगर यहां से 90 डिग्री तक आपको रोटेट करना था, मतलब ये ऐसा डायपोल रहेगा और 90 डिग्री तक ऐसे रोटेट करना है, तो वर्क डन का वैल्यू कितना आ रहा है पीई आ रहा है यहां पे वैल्यू। फिर ये ऐसे था और एग्जैक्टली 180 से रोटेट करना है, मतलब ठीक उल्टा कर देना है इसको, तो यहां पे कितना हो गया 2 पीई वैल्यू हो गया इसका यहां पे। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई हमें। अब 2 पीई वैल्यू आने के बाद थर्ड केस हम लोग एज्यूम करते हैं। थर्ड केस में क्या, पहले ये बता दो फटाफट एक बार, फर्स्ट और सेकंड केस क्लियर है, तो फर्स्ट और सेकंड केस क्लियर है सबका। सिंपल सा जो फॉर्मूले आपने फाइंड किया है उसी को यूज करना था। अब थर्ड केस में मैं क्या करूं, आई होप विजिबल होगा यहां तक, यस। थर्ड केस में आप क्या करो, थीटा वन भी जीरो रखो और थीटा टू भी जीरो रखो, मतलब इनिशियली ये स्टेप का तो था ही, और फाइनली भी हमें क्या करना है, इसी टाइप का रखना है। फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बोलो तो किधर की तरफ, इधर। डायपोल कैसा रखा हुआ है, माइनस क्यू यहां पे और इससे थोड़ा डिस्टेंस पे प्लस क्यू। ओके, ये माइनस क्यू से प्लस क्यू, इसका भी डायरेक्शन ये। अब बताओ क्या इस पे कोई टॉर्क एक्ट हो रहा है, कोई टॉर्क एक्ट नहीं हो रहा है। Whenever we place dipole in the direction of electric field, then there will be no torque on the dipole. जब भी आप electric field के direction में dipole को रख दोगे, तो dipole का direction क्या होता है सर, हमेशा ही negative से positive charge के तरफ। Listen, electric field is different thing, dipole moment is different thing. Electric field एक different होता है और डायपोल मोमेंट एक डिफरेंट होता है, उस दोनों को आप कंबाइन मत करना, दोनों सेपरेट टॉपिक है। तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहां पे क्या है, लेफ्ट टू राइट, मीन्स दोनों पैरेलल डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया जीरो डिग्री, और दोनों के बीच का एंगल जीरो हो गया, तो टॉर्क में आप क्या लिखते थे पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई क्या वैल्यू क्या आ रहा है यहां पे जीरो, तो टॉर्क का वैल्यू यहां पे क्या आ गया जीरो आ गया सिंपली। तो देखो इनिशियली कितने पे चाहिए था हमें, जीरो एंगल से आप स्टार्ट कर रहे हो, फाइनली भी आप कितने पे रख रहे हो, जीरो एंगल पे ही रख रहे हो, तो क्या यहां पे कोई वर्क करना पड़ा आपको, अरे जो जैसा था वैसा ही कर दिया। जैसे मान लो आपको पहले से आता है सब कुछ, एक बच्चे मेरे पास आते हैं जिसको टॉर्क नहीं आ रहा था, डायपोल नहीं आ रहा था, मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, उसे समझाना पड़ेगा,
तो मैं कुछ वर्क करूंगा। एक ऐसे बच्चे आते हैं यहाँ पे जिनको सब कुछ पहले से पता है, तो क्या मुझे ज़्यादा समझाने की नीड पड़ेगी? क्या वर्क करने की नीड ही नहीं है यहाँ पे? तो थर्ड केस में टॉर्क इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे? जीरो। वर्क डन इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे? जीरो। और यही क्या होता है, वर्क डन मिनिमम होता है। ठीक है, तो कोई आपसे पूछता है कि किसी भी कंडीशन में वर्क डन मिनिमम कब होगा, तो वर्क डन मिनिमम कब होगा बताओ? जबकि जीरो डिग्री एंगल पे टॉर्क रखा हुआ रहेगा और आप जीरो डिग्री पे ही उसे रहने दो। और एक बात पता है आपको, ये जो भी वर्क डन की बात कर रहे हैं हम लोग, ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी वर्क डन की बात हो रही है, कौन सी बात हो रही है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट की बात हो रही है। अब बताओ, अगर एक्सटर्नल एजेंट कोई वर्क करता है आके आपके ऊपर, तो एनर्जी सिस्टम का इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? इंक्रीज होता है सिस्टम का एनर्जी। जैसे आप घर में बैठे रहो और बहुत सारे 3-4 किलो स्वीट्स लेके आ रहा हूं मैं और फटाफट आपके मुंह में डाल दे रहा हूं, आप कुछ नहीं कर रहे, तो आपका एनर्जी एकदम से बूस्ट हो जाएगा। काफी सारे स्वीट्स मिलेंगे आपको खाने के लिए, तो एनर्जी बूस्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अब अगर एनर्जी बूस्ट हो जाएगा तो बोलो ये क्या एनर्जी आपका इंक्रीज हो रहा है ना, आपने तो कुछ वर्क नहीं किया है। ठीक है, यहां के केस में देखो, क्या इस सिस्टम पे कोई वर्क हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो सिस्टम का एनर्जी भी इंक्रीज होगा? नहीं होगा। अब बताओ मेरे बच्चे, किसी को स्टेबल होने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है कि कम एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है? जिसके पास जितना ज्यादा मनी है वो उतना ज्यादा दुखी आदमी है। ठीक है, सबसे ज्यादा आप जो जिसके पास मनी है वो उतना ही दुखी आदमी है दुनिया का। हमें ऐसा लगता है कि वो खुशी आदमी होगा, बहुत खुशी से रह रहा होगा, लेकिन यही हकीकत है, वो उतना परेशान आदमी है। जिसके पास मनी कम है, मनी कम होना डजेंट मीन कि आप खाने पीने के लिए भी नहीं रहे। तो इसको हम ये बोलते हैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कि अगर अपने पास कम एनर्जी है तो ज्यादा स्टेबिलिटी है, ज्यादा पैसा ही नहीं रहेगा, बाहर घूमने का प्लान नहीं बनोगे, कुछ नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरा क्या होगा, जिसके पास कम एनर्जी है, कम एनर्जी है उसका स्टेबिलिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहां से स्टेबिलिटी पे बार बार क्वेश्चन आते हैं। स्टेबिलिटी पे क्या क्या बार बार क्वेश्चन आता है बोलो मेरे बच्चे, कि किस कंडीशन में सबसे ज्यादा स्टेबल होगा डायपोल? डायपोल को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे होगे, सबसे पहले तो हमने ये डिस्कस कर लिया क्या होता था, टॉर्क क्या होगा, क्या क्या वर्क डन करना पड़ेगा। अब हमें यह बताना है कि किस कंडीशन में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कब होगा? जब डायपोल के पास सबसे कम एनर्जी रहेगा। और डायपोल के पास सबसे कम एनर्जी कब रहता है? इस एनर्जी, इस केस में डायपोल के पास सबसे कम एनर्जी कहां पे होगा? इस केस में, जब आपने बाहर से कोई एनर्जी ही नहीं दिया तो इसको इंक्रीज नहीं करेगा। उसके बाद अगर आप चेक करो तो दूसरा कितना है, पीई, यहां पे थोड़ा सा और कम एनर्जी। ये अच्छा, सबसे ज्यादा वो अनस्टेबल कब होगा? मैक्सिमम एनर्जी उसके पास क्या हो सकता है? ये उसके पास मैक्सिमम एनर्जी है। मैक्सिमम एनर्जी क्या हो सकता है? ये 2PE। इससे ज्यादा एनर्जी तो आप नहीं दे पा रहे, क्योंकि देखो ना, कॉस का इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, दोनों को कंबाइंड करके 2 से ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकता है। मैथमेटिक्स वाले बच्चे थोड़े इमेजिन कर पाते जल्दी इसको, जो बायो के बच्चे फिर भी आप इजी से कर पाओगे। यहां पे देखो, इसके मैक्सिमम वैल्यू कितना आएंगे? 2 से ज्यादा नहीं आ सकता, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 2PE। तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल तब होगा ये, जब इसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी है। सबसे ज्यादा एनर्जी होना मीन्स अनस्टेबल। तो ये जो केस है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये किसका केस है मेरे बच्चे? अनस्टेबिलिटी का केस है। ये जो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, ये स्टेबिलिटी का केस है। तो आप याद रखना, डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 एंगल बनाएगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 180 एंगल बना रहा है तो अनस्टेबल होगा, और डायपोल अगर उसके साथ 90 का एंगल बना रहा है तो हो सकता है कि वो स्टेबल हो और हो सकता है कि वो क्या हो, अनस्टेबल हो। डिपेंड करेगा किस डायरेक्शन में जाने का टेंडेंसी है उसका, जिस डायरेक्शन में जाने का टेंडेंसी रहेगा उसी डायरेक्शन में वो शिफ्ट हो जाएगा। तो मेनली स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी के लिए अपने को याद रखना होता है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, कोरिलेट कर पाए होगे आप इसको। जब कोरिलेट करके समझोगे ना तो ज्यादा मजा आता है, फिर याद भी रहेगा आपको। ठीक है, ऐसे बस बाय हार्ट कर लेंगे तो फिर भूल जाते हैं एग्जाम में जाके कि अरे स्टेबिलिटी यही था या कुछ और था, तो आप डायरेक्ट वहां से कर सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे
ओके इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं कि कोई भी डायपोल है इसके पास भी एक पोटेंशियल एनर्जी रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से, ठीक है। तो कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा ये हमें चेक करना है और ये हम लोग चेक कर लेते हैं फटाफट। तो इसके लिए क्या करते हैं, जैसे आप देखो वहां पे क्या बेसिक डेफिनेशन था पोटेंशियल एनर्जी का, सबसे पहले आपने 11th में ग्रेविटेशन पढ़ा, अभी 12th में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्कस कर रहे हैं। तो आपने क्या पढ़ा है दोनों में ही कि सिंपल अगर पोटेंशियल एनर्जी हमें डिफाइन करना है तो चार्ज पार्टिकल को या मास को पकड़ो आप कहां से, इनफाइनाइट से, और उसको रिफरेंस पॉइंट तक पकड़ के ले आओ। तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल सोर्सेज टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू द रिफरेंस पॉइंट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है ना। इनफाइनाइट से पकड़े हम लोग और कहां तक लाए, इस रिफरेंस पॉइंट तक, और इस रिफरेंस पॉइंट तक लाने के लिए जितना भी हमें एनर्जी देना पड़ रहा है, जितना भी एनर्जी स्टोर्ड हो रहा है, वही अपना क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, ठीक है भाई। अब इसके केस में कुछ डिफरेंट है, यहां पे तो देखो इनफाइनाइट पे तो होगा नहीं कोई डायपोल, है ना, क्योंकि डायपोल आपको पता है दो चार्ज हमेशा एक साथ रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फिर से हम लोग कुछ ऐसा ही ले रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया और ये हो गया हमारा डायपोल, ठीक है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है अपना डायपोल, और हम लोग फाइंड करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, कितने एंगल पे, थीटा। अभी ये इनफाइनाइट पे तो है नहीं, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इसका जो बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन ये है कि स्टार्टिंग में ये कितना एंगल पे रहेगा, 90 डिग्री पे। जैसे सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डिफाइन करने के लिए आप चार्ज को इनफाइनाइट से पकड़ के किसी रिफरेंस पॉइंट तक ला रहे थे, सिमिलरली यहां पे स्टार्टिंग में कितने एंगल पे रहेगा, ये 90 डिग्री एंगल पे रहेगा, ठीक है, जहां पे इसका रोटेट होने का जो टेंडेंसी रहता है वो मैक्सिमम रहता है। जब आप 90 डिग्री पे इसे रखोगे ना तो एग्जैक्टली इधर की तरफ फोर्स होगा, इधर की तरफ फोर्स होगा, रोटेट होने का टेंडेंसी इसका मैक्सिमम रहता है। तो स्टार्टिंग में हम लोग एज्यूम करते कि ये ऑलरेडी कितने पे है, 90 डिग्री पे है, और 90 डिग्री से किसी थीटा एंगल तक रोटेट करने के लिए जो हमें वर्क करना पड़ता है दैट वर्क इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, उसे ही हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बोल देते हैं। क्लियर है दोनों में क्या डिफरेंस है, वहां पे इनफाइनाइट से पकड़ के ला रहे थे हम लोग, यहां पे क्या होगा, ऑलरेडी ये डायपोल होगा, डायपोल होने के बाद स्टार्टिंग में कितना एंगल पे रहेगा, ये 90 डिग्री पे। स्टार्टिंग जो है आपका वो कितना एंगल पे रहेगा मेरे बच्चे, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे, और थीटा टू इज इक्वल टू कितना होगा, थीटा, यही इसका बेसिक डेफिनेशन है। किसी डायपोल को कितने एंगल से, 90 डिग्री से थीटा एंगल तक ले जाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है ना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है। अब बताओ अगर हमें 90 डिग्री से थीटा एंगल ले जाना है यहां पे, अगर आपको 90 डिग्री से थीटा एंगल यहां पे ले जाना है तो क्या आपको पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा यहां पे या निगेटिव वर्क करना पड़ेगा, निगेटिव वर्क करना पड़ेगा यहां पे, क्योंकि देखो ये ऑलरेडी किधर के तरफ रोटेट होना चाहेगा, इधर के तरफ। आप अगर ये चाहते हो कि इसका एंगुलर एक्सेलरेशन ना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक अपोजिट फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, या आप यूं थिंक कर लो कि डी थीटा का जो वैल्यू लोगे वो क्या हो जाएगा, यहां पे लेस हो जाएगा, चेंज इन थीटा का वैल्यू यहां पे क्या हो रहा है, लेस हो रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, अगर आप यहां पे वर्क डन लिखोगे, ठीक है, लिखे हम लोग, तो वर्क डन कहां से कहां तक के लिए, 90 डिग्री से थीटा तक मूव करने के लिए, जरा बताइए आप लोग क्या होगा इसका, पॉजिटिव नेगेटिव साइन तो आप अपने अकॉर्डिंग कर ही लोगे, अभी अभी वर्क डन फाइंड किया था हम लोगों ने, बताना इनिशियली कितना है, 90, और फाइनली हम लोग कहां पे जा रहे हैं, थीटा पे। तो
तो अभी अभी आप इंटीग्रेशन में देखे थे क्या आया था यहां पे, पी ई साइन थीटा डी थीटा स्टार्टिंग 90 यहां पे थीटा, ठीक है। अब वर्क डन पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा ये डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, वो आप खुद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिसाइड कर पाओगे, ठीक है। अगर इसके अपोजिट कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा तो वर्क डन पॉजिटिव कर रहा है, अगर इस पे ही फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा तो वैसा होगा यहाँ पे, ठीक है। वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर भी आ गया। अब बोलो मेरे बच्चे यहाँ पे क्या पुट करोगे आप, इज इक्वल टू पी ई तो कॉन्स्टेंट था, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे 90 पुट कर दो और यहाँ पे थीटा, 90 से हमें थीटा डिग्री तक रोटेट करना है तो इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे पी ई ब्रैकेट में लिमिट पुट कर दो तो माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे माइनस माइनस ऑफ कॉस 90 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू पी ई, यहाँ पे माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस कॉस 90 का वैल्यू जीरो, तो ये टोटल टर्म जीरो, इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस पी ई कॉस थीटा। हमने कहाँ से रोटेट किया है, 90 डिग्री से कितना एंगल तक, थीटा एंगल तक, ठीक है। तो 90 से थीटा एंगल तक आने के लिए कितना हो गया यहाँ पे माइनस ऑफ पी कॉस थीटा, और ये जो आप वर्क डन कर रहे हो क्या यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जाके स्टोर्ड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सर, ये जो आपने वर्क किया एक्सटर्नल ने जो वर्क किया यही किसके फॉर्म में जाके स्टोर्ड हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जाके स्टोर्ड हो रहा है, तो ये कितना हो गया माइनस ऑफ पी कॉस थीटा। अब फिर से जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वर्क डन कहां से कहां तक के लिए, 90 से थीटा के लिए, इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा क्योंकि ये एक्सटर्नल वर्क डन कर रहा है यहां पे, ठीक है ना। अगर ये 90 से थीटा जा रहा है यहां पे तो कितना हो जाएगा वर्क डन 90 से थीटा इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मीन्स फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इसको आप क्या लिख सकते हो यू थीटा माइनस यू 90, क्या बोल सकते हैं हम लोग यू थीटा माइनस यू 90, ठीक है। अब पता है आपको जो यू 90 होता है ना 90 एंगल पे जो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग एज्यूम करते हैं ये इसमें जीरो एज्यूम कर लेते हैं। पहले आप क्या करते थे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अगर कोई दो चार्ज पार्टिकल रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो एज्यूम करते थे, रेफरेंस पॉइंट ले लेते इनफाइनाइट को, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या एज्यूम करते थे जीरो। लेकिन अभी के केस में क्या करोगे आप, जब 90 डिग्री पे डायपोल प्लेस्ड रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लोगे आप जीरो। क्यों ऐसा होता है पता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा अगर आप उससे 90 डिग्री पे चले जाओगे तो, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है अगर आप 90 डिग्री पे चले जाओगे तो। इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री पे इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलता है हमें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कोई वर्क नहीं कर पाता इसके 90 डिग्री पे जाके, इसलिए हम लोग क्या करते हैं 90 डिग्री पे जीरो ले लेते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे बुक में आप देखोगे रिफरेंस पॉइंट 90 ही लिए रहते हैं, रीजन वहां पे मेंशन नहीं रहता है। लेकिन आपको ये थिंक करना है कि एक्चुअल में अगर इसके परपेंडिकुलर जाएंगे तो परपेंडिकुलर जाने से इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होगा परपेंडिकुलर मूव करने से, इसलिए उस केस में पोटेंशियल एनर्जी हम लोग क्या एज्यूम करते हैं जीरो, रिफरेंस पॉइंट वो ले लेते हैं, ठीक है। अब अगर यही सेम यहाँ पे थीटा वन से थीटा टू मूव कर रहा है, ठीक है ना, तो वर्क डन कहाँ से मूव करना है थीटा वन से मूव करना है, कहाँ तक थीटा टू तक मूव करना है, लेकिन चेंज इन जो पोटेंशियल एनर्जी लोगे ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लोगे। यहां भी थीटा वन माइनस थीटा टू मत करना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू रोटेट द डायपोल फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पे हम लोग क्या लेंगे u थीटा 2 माइनस थीटा 1, ये मत भूल जाना, फॉर्मूला अभी भी सेम रहेगा एग्जैक्टली। और अगर हम लोग थीटा 1 से थीटा 2 की बात कर रहे हैं तो आपने अभी अभी देखा था कि फॉर्मूला हमारा क्या होता है यहां पे पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, यही क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर। वर्क डन की बात तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं हम लोग,
ठीक है ना, जो वर्क डन है उसकी बात तो हम लोग ऑलरेडी कर ही रहे हैं, यहाँ पे पहले भी करा हमने, फिर स्टेबिलिटी चेक किया, तो थीटा वन से थीटा टू जाने पे वर्क डन तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, लेकिन ये वर्क डन कितना होगा, तो फाइनल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब जब क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, तो उसमें देखना आप कि फाइनल को हम लोग थीटा एंगल लेते हैं और इनिशियल को कितना ले लेंगे, 90 डिग्री। रिफरेंस पॉइंट हम लोग क्या ले लेते हैं अपना, 90 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आई होप सभी बच्चे का क्लियर होगा। तो ये टॉपिक्स थे अपने पोटेंशियल से रिलेटेड, डायपोल को जब हम लोग प्लेस्ड कर देते हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, आप लोग निगेटिव्स कमेंट पे ध्यान ही क्यों देते हो? देखो, जब मार्केट में आप कुछ काम करने जाओगे ना, बहुत डॉगी भूखने भौंकते रहते हैं वहां पे। आप कोई भी फंक्शन कुछ करने के लिए जाओ तो वहां पे देखोगे चारों तरफ से डॉग आके भौंकना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा काम ये थोड़ी ना दिन भर पत्थर लेके बैठे और डॉग के ऊपर फेंकते रहे। मैंने तो पहले ही बोल दिया, देखो कि कौन किस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, वो हम कहीं पे जाके शो करते हैं। मैं आपसे अगर कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये मेरा अपना जो बैकअप है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, अपना फैमिली बैकग्राउंड रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारे मम्मी पापा ने हमें क्या सिखाया, हमारे भाई बहन एल्डर हमारे टीचर ने हमें क्या सिखाया यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ आके यहाँ पे भौंकने दो उनको। अरे जस्ट एज्यूम कि मैं बहुत गंदा पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें आने के लिए कौन बोला है यहाँ पे? जाके जो करना है MBBS करना है भाई, JEE करना है, जो करना है कुछ तो काम करो। ठीक है, यहाँ पे फ्री में मतलब क्यों ज्ञान देने आ जा रहे हैं? ऐसे पढ़ाओ, मैं ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ बच्चे को, और हमारे बच्चे हमें जानते हैं कि मैं क्यों क्या हूँ। तो तुम्हें आके जो भी आप हो, आपको आके बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पे ग्रुप में कि इससे मत पढ़ो, ये टीचर बहुत खराब है, इससे अच्छा। बाकी बच्चे भी जानते हैं, सारी दुनिया उनको पता है अनअकैडमी क्या है, फलाना क्या है, ढकाना क्या है, तो वो सारे बच्चे आजकल जानते हैं। ऑनलाइन में कहीं कुछ छुपा हुआ नहीं रहता, तो अपना टाइम मत वेस्ट करो, ज़्यादा सुपर स्टार बनने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि कुछ आके दो चार कमेंट मार दोगे तो हाँ भाई सारे समझने लगेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आप अपना लेवल शो कर रहे हो यहाँ पे कि आपका खुद का क्या लेवल है, आपके पेरेंट्स का क्या लेवल है, तो बाकी लोग इग्नोर क्या करो ऐसे करके, है ना। हम ऐसे जो क्या बोले, मच्छर मार इंसान को हम लोग भाव नहीं देते हैं। जिंदगी में खुद कुछ करना नहीं तो दूसरे को क्या करेंगे, डिस्ट्रैक्ट के अलावा कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो आई थिंक यहाँ तक ही करते हैं हम लोग आज। ठीक है, इससे रिलेटेड जितना था पोटेंशियल से रिलेटेड वो हमने करा यहाँ पे। जो कल का क्लास होगा आपका, तो कल का क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, एक टॉपिक इम्पोर्टेंट रह गया, वो क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट रहता है और किसी चार्ज को आप छोड़ दोगे उसमें, तो उसका पाथ किस टाइप का हो जाता है। देखो क्लास 11th में तो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है, लीनियर मोशन पढ़ा है, स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल का सिंपली। अब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो और किसी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में या सेम डायरेक्शन में किसी एक चार्ज पार्टिकल को जाके हम लोग छोड़ दे जस्ट वहां पे, तो वो चार्ज कैसे मूव कर रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर आने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा, किस स्पीड से वो मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो ये सब हम लोग डिस्कशन करेंगे कल। और आई थिंक 6 DPP तक मैं सेंड कर चुका हूँ आप लोगों को, तो 7-8 DPP जो है, या 6 अगर नहीं गया है तो 6-7-8 DPP मैं सेंड करने वाला हूँ, तो वहाँ पे आप क्वेश्चन कीजिए, वहाँ से ट्राई कीजिए। और ज़िंदगी में देखो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आते रहते हैं, सिर्फ यहाँ नहीं, हर जगह आप जहाँ पे जाओगे, तो मार्केट में क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, ये सब थिंक छोड़ो और अपना टारगेट रखो आप लोग। आपको पता है हमें 2022 में रिजल्ट चाहिए, मतलब चाहिए बस, बाकी दुनिया में क्या कौन बोल रहा है, लॉकडाउन हो रहा है नहीं हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, ये सब हमें अवॉइड करना ही पड़ेगा। अपने गोल पे कंसंट्रेट करो, ठीक है, अपना अच्छा से पढ़ाई करो बस। बाकी मैं तो हूँ ही आपके साथ, जो भी प्रॉब्लम है वो डिस्कस करेंगे हम लोग। चलिए, अच्छे से खाओ पियो, इनर्जेटिक खाना खाओ, हैवी खाना नहीं खाना है, और अच्छे से पढ़ाई करो। फिर कल मिलते हैं हम लोग, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।